भारत टीवी के सूर्योदय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं भारत टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री महामंत्र के साथ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि गायत्री मंत्र इस सृष्टि के अंदर एक सर्वोपरि मंत्र माना गया है। गायत्री को ही युग शक्ति क्यों कहा गया है, हम इस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र, गायत्री ये युग की शक्ति है, क्योंकि आज के जो जिस समय में हम रह रहे हैं, आज सिर्फ एक ही बात है कि हम दुर्बुद्धि के शिकार हैं। हमारी मानसिक चिंताएं इतनी बढ़ चुकी हैं, हर व्यक्ति एंजाइटी में है, हर व्यक्ति डिप्रेशन में है, डॉक्टर्स की दवाइयां खाते हैं, न जाने घर के अंदर कलेश हैं, भाई भाई का शत्रु बना हुआ है, प्रेम खत्म हो चुका है, उत्साह खत्म हो चुका है। आखिर क्या हो रहा है इस सृष्टि में, कभी इस तरफ अपना ध्यान देने की कोशिश करें और इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, गायत्री मंत्र के दो पक्ष हैं, ज्ञान पक्ष और विज्ञान पक्ष। जो भी हम क्रिया इस समय कर रहे हैं, इसके अंदर मैं एक बात और पहले भी बता दूँ, तो ज्ञान पक्ष की बात कर लेते हैं। ज्ञान क्या है, इससे करने से हमें सद्बुद्धि मिलती है। स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सत्संग जब भी हम करते हैं, अगर हम गायत्री मंत्र भी करते हैं तो जब भी हमारा स्वाध्याय में मन लगेगा, सत्संग में मन लगेगा और किसी बात का चिंतन मनन करने में भी मन लगेगा। अब विज्ञान पक्ष की बात करें, अब तो मनोचिकित्सक और डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस बात 3 वर्षों की शोध के बाद ये सिद्ध हो चुका है कि गायत्री मंत्र इस सृष्टि के ऊपर एक सद्बुद्धि का मंत्र है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये हो चुका है कि अगर कोई मनोविकार से है, देखो आज के समय में मानसिक चिंताएं सबको हैं। अगर मैं ज्योतिषी आधार पे कहूँ कि कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा राहु और चंद्रमा आपके शनि राहु केतु से या किसी भी मैलिफिक प्लैनेट से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा होता मन का कारक, और मन हमारे बस में नहीं होता। मन की गति इतनी तेज है कि हवा से भी तेज है इसकी गति। एक मिनट में कुछ होता है। तो इसकी मैं विज्ञान पक्ष की बात कर रहा था। इस सृष्टि के अंदर यही एक मंत्र है जिसके अंदर किसी भगवान का नाम नहीं आता, और एक इसको हर धर्म के अंदर माना जाता है, लेकिन भाव वही है, रूप अलग अलग है। मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में इसको कहा जाता है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप शेष तेजस्वी, पाप नाशक देवरूप परमात्मा को हम अपनी अंतात्म में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसका जिक्र ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद 3 वेदों में आता है। अब दूसरी बात हम करें, यहूदी धर्म भी एक हमारा है, उसमें एक पुस्तक है पुराना नियम भजन संहिता 5.8 पे लिखा गया है कि हे यहोवा अर्थात परमेश्वर, अपने धर्म के मार्ग में मेरा पथ प्रदर्शन करो और मेरे आगे सीधे मार्ग को दिखाने का प्रयास करें, यही प्रार्थना की गई। इस प्रकार से अन्य धर्मों में भी सिंतो धर्म है, उसके अंदर एक जापान में इसको माना जाता है, तो जापानी बुक्स के अंदर लिखा गया है। उसके बाद पारसी धर्म के अंदर एक पुस्तक है अवेश्यता 27.13 पृष्ठ पर लिखा गया है कि वह परम गुरु, उनकी भाषा में कहूँ तो लिखा जाता अहोर मज्जत परमेश्वर, अपने रित तथा सत्य के भंडार के कारण राजा के समान महान हैं आप। ईश्वर के नाम पर किए गए परोपकारों से मनुष्य प्रभु प्रेम का पात्र बनता है। प्रभु प्रेम प्रभु
प्रेम का पात्र बनता है। कैसे बनता है? मतलब सबका सहयोगी बनता है। ये मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं धर्म की शरण में जाता हूं, मैं संघ की शरण में जाता हूं। अर्थात किसकी शरण में गए? प्रभु की शरण में गए। और क्या मांगा? सद्बुद्धि मांगी, यही तो मांगा। ऐसे ही जैन धर्म के अंदर अहंताओं को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार तथा सब साधुओं को नमस्कार, उसमें नमस्कार का भाव रखा गया। भाव यही है कि ये सब मिलकर के हमें सद्बुद्धि दें। इस प्रकार अन्य धर्मों के अंदर भाव निहित गायत्री मंत्र को माना गया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, गायत्री मंत्र से करते हैं। कहते हैं यज्ञ पिता गायत्री माता, भारतीय संस्कृति के निर्माता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, बता देना चाह रहा हूँ कि सृष्टि में अगर कोई सद्बुद्धि का मंत्र है तो गायत्री मंत्र है। अब आप इसको कैसे करें? कुछ लोगों के फ़ोन्स आते हैं, फ़ोन्स कॉल आते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी आते हैं और डायरेक्ट फ़ोन भी आते हैं कि हम गायत्री मंत्र करते रहते हैं लेकिन कोई लाभ नहीं होता, हमारी तो परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ गई। तो दर्शकों, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि गायत्री मंत्र एक सद्बुद्धि का मंत्र है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि इस मंत्र के, ये तो श्रापित है जी, विश्वामित्र जी के द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा श्रापित है। मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि अगर आप अपने इष्ट का नाम, आप किसी को भी अपना इष्ट मानते हो, किसी को भी अपना गुरु मानते हो, क्योंकि सृष्टि के अंदर गुरु मंत्र एक ही है, बाकी तो सबने अपने अपने बना रखे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि गुरु मंत्र एक ही है, गायत्री मंत्र। अपने इष्ट का ध्यान कर लो, लेकिन उसको करने से पहले थोड़ा सा पवित्रीकरण का भाव बना लें, एक आसमणि जल लें, थोड़ा जल छिड़क लें। मंत्र नहीं आता है, ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो भी वाई स्मरे तपुंडरिकाक्षम से भाई अवंतर सूचि। आप कहोगे पंडित जी तो मंत्र आप ही बोल सकते हो, हम तो नहीं बोल सकते। तो आप सीधा सीधा गायत्री मंत्र बोलो, जल छिड़क लो और मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार एकाचमनी जल। देखो, आप एक जल का लोटा पूजा में रखेंगे जो आपको बाद में सूर्य को देना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्यों देंगे सूर्य को जल हम। उससे पहले एकाचमनी जल अपने पास रखें और उसको जो है आप 3 बार मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि, जब आपका मन, आपकी वाणी और आपका अंतःकरण पवित्र होगा जब तो आप कुछ कर पाएंगे ना। तो आप 3 आचमनी जल लें सीधा सीधा। उसके बाद एक शिखा मूल होता है हमारा, शिखा स्थापन, जहाँ हमारी शिखा होती है, जैसे टीवी में एंटीना के बिना फोटो नहीं आती है, मोबाइल्स के अंदर बिना नेटवर्क के नहीं आता। तो नेटवर्क कहाँ है हमारा, इस बॉडी का नेटवर्क, इसको कपाल बोलते हो, जब मरते हैं ना तो कपाल क्रिया यहीं से होती है। तो ये जो हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट है, तो साइंटिफिक रीजन से यहाँ पर हमारे को शिखा रखने के लिए कहा गया। अब शिखा कोई रखता नहीं है। और एक बात और इसी बीच में बता दूं, यज्ञोपवीत जो हम धारण करते हैं ये गायत्री का ही प्रतीक है। और आपने सोच आदि के समय सुना होगा कि इसको कान पर लपेटना पड़ता है, इसका भी एक वैज्ञानिक आधार है। हमारे ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं कि हमारे कान के नीचे बारीक बारीक नसें होती हैं। आपने सुना होगा कि जब भी किसी को पैरालाइज और हार्ट अटैक पड़ता, अरे बाप टॉयलेट में गए थे और वहीं के वहीं रह गए, ऐसे सुना है ना। तो ये चीज़ें दब जाती हैं कान के ऊपर लपेटने से, ठीक है। अब कान में भी नहीं लपेटते हैं तो उसके अब गले में कंठी बना करके पहन सकते हैं, क्योंकि आपके सीने से, आपके हार्ट के ऊपर से यज्ञोपवीत जाता है, और जो कि गायत्री का प्रतीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसके बाद हम शिखा वंदन कर लें, थोड़ा सा जल लगा लें, गायत्री मंत्र बोल लें। उसके बाद अपने शरीर के जो है प्रमुख अंग जो हैं हमारे, उन पर हम देवत्व की स्थापना करें। आप कैसे करें जी? ओम वांग में आस्य अस्तु, नसोर में प्राण अस्तु, अक्षोण में चक्षद अस्तु, पंडित तो मंत्र से कराएंगे, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बताऊं। इस क्रिया को बाएं से दाएं करते हैं। कहाँ से करते हैं? बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। क्यों? बुराई को छोड़ के अच्छाई को धारण कर रहे हैं, बुराई को छोड़ के अच्छाई को धारण कर रहे हैं, बुराई को छोड़ के अच्छाई को धारण कर रहे हैं। सबसे पहले झगड़े कहाँ से शुरू होते हैं बताएं आप? मुँह से, गालियाँ मुँह से। भगवान ने सब कुछ चीज़ दो दिए हैं, किडनी दो दी, आँख दो दी, नाक के छेक दो दिए, कान के छेक दो दिए, लेकिन मुँह एक ही दिया। कम बोलो, ज़्यादा सुनो, यही है ना। तो सबसे पहले मुख को लेफ्ट टू राइट गायत्री मंत्र बोल लो, फिर नासिका को जहाँ से हम शुद्ध सांस लेते हैं, उसके बाद जो आँखों से हम देखते हैं, हमारे आँख अच्छी देखें, कहाँ से शुरू करा? मुख से ऊपर को चलेंगे,
पहले मुख को, फिर नसों में प्राणस्तु, अक्षों में चक्षुरस्तु, फिर क्या हुआ कान, फिर जो भगवान ने दो हाथ दिए ना खाने कमाने के लिए, ये हमारे सत्प्रवृत्ति की तरफ, अच्छे कर्म के तरफ चले, गलत काम ना करें, तो इसलिए हम इनको भी करते हैं। हमारे कदम अच्छे काम के लिए उठे तो उसके बाद जंघाओं पे, इस कर्म को मैं दोबारा बता देता हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, आगे पीछे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाव होना चाहिए बस, एक भाव, श्रद्धा और भाव से अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पहले मुख को, फिर नासिका को, फिर आँखों को, फिर कानों को, फिर भुजाओं को, फिर जंघाओं को, फिर जल अपनों पर छिड़क लो, सब पे गायत्री मंत्र बोल लो, बहुत छोटी सी क्रिया है। ना समझ में आए तो आप मेरे से फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, नीचे फ़ोन नंबर चल रहा है, उस फ़ोन करके पूछ सकते हो, कोई कुछ नहीं है। और आप किसी भी जाति धर्म से हो, अगर आप अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, क्राइस्ट को मानते हो, जैन धर्म, किसी भी धर्म को हो, तो कम से कम इतना तो बनता है कि हम अपने आप को पवित्र करके बने, क्योंकि हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों की पवित्रता तो होनी है ना। अब स्थूल शरीर को तो हम पानी से नहा लिए, अपना साफ हो गए, लेकिन अंतःकरण कहाँ से साफ होगा, जब मन के अंदर विकार भरे पड़े हैं, हमारा चिंतन खराब है, तो हमें कहाँ से उस प्रार्थना, हम अपने ईश्वर से प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, किसी भी धर्म में हों चाहे हम ईश्वर से प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। और दर्शकों, जिसको सद्बुद्धि मिल गई, वो इस सृष्टि में उसका समझ लो जीवन तर गया, उसका जीवन तर गया। अब लोगों ने खूब भ्रांतियां फैला रखी हैं, दुनिया भर की भ्रांतियां। अब मेरा आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, जितना ज्ञान मुझे है मैं आपको बता रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन है। और कोई अगर मेरे से गलत बात भी निकल रही है तो आप मुझे क्षमा प्रार्थी, अपना मतलब अज्ञानी मान करके मेरे को, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ, मैं क्षमा पहले मांग लेता हूँ। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप करेंगे, मेरे 25 वर्षों का अनुभव है, मैं 25 वर्षों से का अनुभव आज आपके साथ में भारत टीवी के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ, हजारों हजारों लोगों को, और देश में नहीं विदेशों में भी लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है। मेरे से भी बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, पढ़े क्या हैं, वो अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं तो साधन साधमी हूँ, साधन तरीके से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप जो है अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, तो आपको कोई भी श्राप नहीं लगेगा, कोई श्रापित नहीं है ये, आप अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। पहले तो उनका ध्यान करो, उनका आह्वान करो, हे गुरुदेव, हे भगवान, हे अल्लाह, हे जीसस क्राइस्ट, जिसको भी आप मानते हो, आप मेरे यहाँ पर आकर के उपस्थित हो। उसके बाद जब आपकी प्रार्थना संपन्न हो जाए, वैसे तो कम से कम एक माला प्रतिदिन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप देखते होंगे कि मरणोपरांत, मैं अब हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, मरणोपरांत हम पंडित जी के पास जाते हैं, कहते हैं पंडित जी आप, ये बातें मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इसकी सवाल लाख गायत्री कर दो। अब हमारी मृत्यु कहाँ हो कहाँ ना हो, हमारे बच्चे कराएं ना कराएं, इस बात की क्या गारंटी है, एक मिनट की भी गारंटी नहीं है। और अगर हम जीते जी एक माला प्रतिदिन कर लें तो मैं 1.25 लाख नहीं, कई लाख मंत्र जाप आपके हो जाएंगे कि गंगा गीता गायत्री, हमारी अस्थियां प्रभावी गंगा में ही होती हैं, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है, कभी अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। गायत्री और गीता में तो ज्ञान भरा पड़ा, या गीता में तो इतना ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए खुद उसका सारथी बनना पड़ा। तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि गंगा गीता गायत्री यही हमारे जीवन के आधार हैं। करने का मैंने आपको तरीका बताया, मंत्र आपको आता ही है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गांधी जी भी तो यही कहते थे, रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, भर्गोदेव से धीम ही धियो उन्हें प्रचोदया। और आज इस युग के अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले समय में इस मंत्र को सिद्ध किया सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी ने, उसके बाद जब विश्वरथ नाम का एक राजा उनके आश्रम में आया और उन्होंने उसकी लाखों की सेना को
बहुत कम समय में ही भोजन करा दिया, तो विश्वरथ राजा विश्वरथ जो घमंड से चूर, तो वो जो था उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि ये कामधेनु, इसको किसको कामधेनु भी कहते हैं, ये कोई गाय नहीं है, लेकिन इसको कामधेनु का नाम दिया गया कि आपने ऐसी व्यवस्था कैसे कर दी। उन्होंने अपने तप के बल पे की थी, कामधेनु कोई गाय नहीं थी कि जिसको छीनना ले जाते थे, लेकिन बिना उन्होंने जो है दीक्षा लिए, बिना गायत्री मंत्र को समझे उन्होंने जो भी किया। और उन्होंने उसी समय जब उनको पता लगा कि गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ राजपाट त्याग करके वशिष्ठ जी से अपना जो है ज्ञान लेकर के उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया और वो धीरे धीरे विश्वरथ से विश्वामित्र बन गए। और दर्शकों, विश्वामित्र किसको कहते हैं? विश्वामित्र उसको कहते हैं जो विश्व का मित्र है। आप खूब धन कमाइए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ें, खूब धन कमाइए लेकिन परोपकार भी कीजिए। अब गायत्री का प्रतीक क्या है, अगर आप उन्होंने चित्र देखेंगे तो एक हाथ में कमंडल है। कमंडल का मतलब क्या, कि आपकी दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक हाथ में पुस्तक है, आपके स्वाध्याय पढ़ना चाहिए, अपने अच्छी पुस्तकों का ध्यान करना चाहिए। हंस वाहिनी, हंस क्या है, शीतल है, सुंदर है, शांत है, तो आपको शीतल सुंदर शांत रहेंगे। अब पांच बातें इसके अंदर आएंगे, शीतल सुंदर शांत, अंशदान, श्रमदान, समयदान, स्वाध्याय, ये सब करोगे तो आपको गायत्री मंत्र का 100% लाभ मिलेगा। अगर ये चीज़ें तो हमारे अंदर है नहीं, क्रोध में बैठे हैं, माला जप रहे हैं, क्रोध में बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि वहाँ से लेना है, वहाँ से ये देना है, ये सब चीज़ें हटा करके अगर आप शांत मन में, कहता हूँ चाहे 24 बारी करें, चाहे एक माला करें, चाहे दो माला करें, चाहे तीन माला करें, कितना भी करें, माला से करना, माला से करें, नहीं कर सकते मौन मानसी कर लें। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे कर दूं कि सूर्य उदय से 2 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक आप इस मंत्र का जप बोल के कर सकते हैं और मौन मानसी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या का हमारे यहाँ एक नियम है। अब त्रिकाल संध्या तो संभव नहीं है आज की भौतिकता के युग में, तो सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले आप गायत्री मंत्र करें। अब जो जल का लोटा आपने पूजा में रखा था, तो अब इसका मैं छोटा सा बता दूं कि गायत्री के प्रतीक है सविता देवता। सविता देवता कौन है? सूर्य देव भगवान, जो सबको बराबर प्रकाश देते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई भी, सबको बराबर बराबर देते हैं। तो सूर्य को जल देते हैं तो उसके अंदर जो सूर्य को जल देते समय एक तांबे के पात्र से दे, बस मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा पूजा से उठने के बाद, और जो है आपके शरीर कम से कम वस्त्र हो और इस प्रकार से हाथ उठा करके जल दे कि सूर्य की किरणें जल से होते हुए आपकी बॉडी में पड़े, उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करती है। और अगर सूर्य नहीं है तो सूर्य का ध्यान करते हुए, कई जगह सूर्य की दिखने की व्यवस्था नहीं होती है तो कोई बात नहीं, सूर्य नहीं है कोई बात नहीं है, भाव करें और इस प्रकार से आप सूर्य को जल दें, तो निश्चित रूप से सविता देवता भगवान, गायत्री मंत्र, ये सब मिलकर के आपके, आपको तो दुख दारिद्र्य दूर करेंगे ही और आपके परिवार के भी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों को दूर करेंगे। तो मेरा दर्शकों आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आज से ही आप इस मंत्र को जपने का, अपना अपने इष्ट का ध्यान करके गायत्री मंत्र का आह्वान करके, आह्वान भी कैसे करें कि आप हिंदी में बोलो, हे गायत्री माता आप मेरी पूजा में विराजमान हो, जब पूजा समाप्त हो तो उनको जो है वापस भेजने का भी नियम है कि हे गायत्री माता और समस्त देवी देवता अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें और लक्ष्मी गणेश जी निवास करें। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।